निर्माण कर सकते हो। अदामला यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, वहां पर रिसर्च करके उन्होंने बच्चों में देखा कि उनका जो बॉडी परफॉर्मेंस है, उनका शरीर का जो परफॉर्मेंस है, वो स्पिरुला की वजह से इम्प्रूव हुआ, क्योंकि ये बढ़ती हुई बच्ची थी, इम्प्रूवमेंट में बच्ची थी। तो मेनार्की की बच्चियों को जब स्पिरुला दी, तब उनका हीमोग्लोबिन, जो रक्त खून का स्तर है, वो इम्प्रूव होता गया, और उनका परफॉर्मेंस जब अच्छा मिला, तब उन्होंने ये प्रमोट करना शुरू कर दिया। कितने लेने चाहिए, कितने लोग हैं जो स्पिरुला टैबलेट्स लेते हैं, स्पिरुला लेते हैं पहली चीज तो, या ये ऑल है, कितने लोग हैं, 6 लेते हैं, 6 इन अ डे, 6 या 10 लेते हैं, कितने लोग हैं कि 12 लेते हैं, 12 स्पिरुला इन अ डे, मैं खुद भी हूं, या ब्यूटी कॉन्टेस्ट ला पण उतरू शकतो, एचबी लेवल मोर देन 14। ऐसे भी लोग हैं जो हाथ पे डाल के स्पिरुला खा लेते, बट एवरी डे मॉर्निंग 6 इवनिंग 6, 6 गोलियां या तो 4 4 4। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब आप 6 लेते हो, 9 लेते हो, 10 लेते हो, 12 लेते हो, आपका जो लाइफ है ना, उस हिसाब से आप टर्न करते रहते हो। हम विश क्या करते हैं, जैगवार की, हम विश क्या करते हैं, मर्सिडीज की, लेकिन आर वी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग आवर ओन मशीन, खुद के शरीर को हम ऑपरेट करना छोड़ दें, तो वो मशीन हमारे लिए क्या काम की। अगर आपका ही मशीन इतना अच्छे से काम किया होगा, तो आपका चलना भी आपका जैगवार जैसे हो जाएगा, आपका चलना ही आपका मर्सिडीज का हो जाएगा, फिर वो गाड़ी आपके लिए शानदार होगी, लेकिन पहले खुद को शानदार बनाना जरूरी है। और स्पिरुला गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी, एक इम्यून सिस्टम को, आपके एचबी लेवल को अपर करने की। महिलाओं के लिए एचबी लेवल शुड बी 14 से 16, मैक्सिमम टू द 16.5 to 17 व्हेन शी इज कैरिंग, और मेनार्की में है, स्त्रीत्व वो ये था ना कि वह गरोदरपण रहता ना, शी हैज टू बी 14, सो यू कैन जनरेट अ गुड नेक्स्ट फ्यूचर, आपका जनरेशन अच्छा होगा, जो बेबी आएगा वो अच्छा रहेगा। एंड फॉर अ मैन इट शुड बी 15 to 17। अगर आदमी खुद को अमीर पहचानता है, तो उसका बैंक बैलेंस के साथ उसका अप एचबी लेवल भी कितना होना चाहिए, अपर साइड में होना चाहिए। अगर वेदर चेंज है या वीकनेस है, तो वी कैन कंज्यूम द स्पिरुला विद द स्पाइस टी। बीएक्सएम प्रोडक्ट सेव्स द मनी, सेव्स द मनी के लिए मैं बोलना चाहती हूं। सेव कैसे होगा, क्योंकि आप जो भी लगाए हो वो सेविंग कैसे मिलेगा, आपके प्रोडक्ट्स आपको क्वालिटी मिलती है, उससे एनर्जी मिलती है। मैं पूछना चाहती हूं, अगर आप अनहेल्दी है तो आप अमीर है क्या, कितना भी पैसा है तो वो पैसे का क्या करोगे। इट सेव्स योर मनी बाय जनरेटिंग योर हेल्थ, क्योंकि जो आपने इन्वेस्ट किया है डीएक्सएन प्रोडक्ट में, उससे आपको हेल्थ मिलेगी। आगे जाके वो पैसा आपके सपने पूरे करने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, आपके बच्चों के सपने पूरे करने के लिए आप यूज कर सकते हो। इट मेक्स द मनी, जनरेट करता है, अपना प्रोडक्ट फ्री हो सकता है, इनफैक्ट वी कैन अपग्रेड आवर लाइफ स्टाइल, एंड आपका रिचनेस भी आप वो पैसे से अपग्रेड कर सकते हो, बाय शेयरिंग, बाय केयरिंग विद द अदर्स। टाइम और एफर्ट, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना, उसके लिए 2 घंटा रुकना, लैब में जाके आपका टेस्टिंग, आपका जो वो पूरा जो सर्कल रहता है मेडिकल सर्कल से, आपका टाइम और एफर्ट बचता है, वो टाइम किधर और लगा सकते हैं आप। रिड्यूसेस द रिस्क, आपके शरीर में ऐसी चीज है जो आपके शरीर को रिस्क से बचाएगी। मुझे बोलिए, अगर आपका एचबी लेवल अच्छा है और बाय मिस्टेक अगर एक्सीडेंट भी हो गया, तो भी आप बच पाओगे, नहीं तो एचबी लेवल बराबर नहीं है और बाय मिस्टेक अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपको कोई बचा नहीं सकता। फुलफिल ह्यूमन डिजायर, डीएक्सएन हैज दैट प्लेटफॉर्म। एज आई टोल्ड यू, वो औरत जो इतनी अमीर थी, लेकिन उसको हमेशा दूसरों के पास से एक एक बॉटल, 2 बॉटल खून लेना पड़ता था, आज वो
दे सकती है। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो डीएक्सएन से हम पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेगुलर परचेस ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब हर रोज हमको जो चाहिए, चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन, वो सब चीज डीएक्सएन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है। और ये ऐसी चीज है कि जो हम ना नहीं कह सकते, आपके यहां दुख है, सुख है, जो भी है, आपको ये चीजें आप हमेशा लेते रहते, उसको ना नहीं बोल सकते, और इसमें वो चीजें ऐड होती जाएगी। कौन कर सकता है डीएक्सएन? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या मैं कर सकता हूं? डेफिनेटली ये आप ले सकते हो, कर सकते हो। आपका रूटीन हमेशा की तरह रहेगा, चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, शैम्पू, जो भी है आपका रूटीन वही रहेगा। आप वो यूएस में है, यूके में है, प्रभा देवी में है, पनवेल में है, या तो पालघर में है, या तो लोनावला में है, आपका रूटीन वैसे ही रहेगा। आपके ये प्रोडक्ट्स आपको जरूरी रहेंगे। ओनली वी आर डूइंग द ब्रांड चेंज, वी आर अपग्रेडिंग आवर ब्रांड्स, और वो ब्रांड्स अपग्रेड करते वक्त आपको आपका रूटीन चेंज करना नहीं है। अगर इससे आप पैसा कमाना चाहते हो, अपग्रेडेशन ऑफ द लाइफस्टाइल करना चाहते हो, वहां आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं। किसी को रेकमेंड करते हो, आपको जॉब छोड़ने की जरूरत है क्या? बिजनेस छोड़ने की जरूरत है क्या? आपका जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस है, उसके साथ ही आपको ऐड करना जरूरी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर टाटा, अंबानी, बिरला, गोदरेज, जेफ बेजोस अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्लान बी तो हम रख सकते हैं। एक के साथ एक तो सोर्स हम रख सकते हैं। सो डीएक्सएन कैन गिव यू अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एक प्लान बी सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। और कोरोना में हमने देखा है कि जिसके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, वो क्या हुआ? डगमगा गया। लेकिन जिसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थे, तो वो उस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी, हेल्थ क्राइसिस में भी सस्टेन हुआ। एंड वी आर लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मैं एक चीज बोलती हूं, अपना जो बेवरेज है ना, अगर अच्छे से आप देखोगे ना, तो हर घर की जरूरत बेवरेज है। वो बेवरेज को भी आप अगर थोड़ा सा अपग्रेड कर दोगे ना किसी का, तो भी आपका प्लान बी जो अनदर सोर्स ऑफ इनकम आपका हो जाएगा। बाहर कितने भी अमृत तुल्य, प्रेमाचा, लाड़ाचा, लाडूसा, गुड़ाचा, चाह जितने भी निकलने दो, लेकिन आपका जब बेवरेज चलता है ना, वो आदमी सामने से आके लेके जाता है। कॉल्स कोरोना टाइम में भी आए, अगर तुझे थी पहली वाली कॉफी अजून देते इसका, पीपल हैज स्टार्टेड आस्किंग बैक, क्योंकि उनको पता था ब्लैक कॉफी से लंग्स के लिए अच्छा है, और अभी जो इम्यूनिटी के लिए बात कर रहे थे वो अभी काम करेगा। सो बेवरेज इज अ ब्यूटिफुल मार्केट। अगर स्टारबक्स, सीसीडी, टी विला में चाय, जो दार्जिलिंग चाय कहा जाता है, आई हैड दैट 465 में मिलती है। आप कोई जाके देख सकते हो, वन कप यू गेट इट फॉर 465। अपना चाय का डब्बा आराम से पूरे महीने भर का आपका चाय आ जाएगा। एंड द बेवरेज मार्केट इज अ ह्यूज मार्केट। अगर थोड़ा आप दिमाग लगा दोगे कि बेवरेज मार्केट को मैं कैसे उठा लूं, और ये मेरा जो एडॉप्ट सेकेंडरी प्लान है सोर्स ऑफ इनकम, तो उसको हम अच्छे से उठा सकते हैं। नारी के सहभाग बिना बदलाव अधूरा है। 100% पॉपुलेशन में 50% महिलाएं और 50% मैन है। यू नो द रेशियो ऑफ द वर्किंग वुमन कितना होगा टक्का? कितनी महिलाएं जो पॉपुलेशन में 100% पॉपुलेशन है, उसमें 50% मेन है और 50% वुमेन है। वो जो 50% वुमेन रेशियो है, उसमें कितनी वर्किंग लेडीज रहेगी? रेशियो परसेंटेज कितना है? 32% इज अ वर्किंग रेशियो। अभी वी हैव इंप्रूव्ड, और ये इट वॉज 7, 6, 10, 11, 20 तक था। टूडेज मतलब लास्ट मंथ में मैंने देखा 32% इज अ वर्किंग वुमन, लेकिन वो 32 में भी 8% to 9% इज एक्चुअली आउटगोइंग है, बाकी सब घर से काम कर रहे हैं। सिलाई काम है तुझे, वो ज्वाइनिंग का है, कुकिंग है, वो सब किधर से चलता है? रसोई से चलता है। किधर से चलता है? रसोई से। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। महिला के
बदला महिला के सहभाग बिना बदलाव अधूरा है। मैं हमेशा कहती हूँ बाजार महिलाओं के लिए बैठता है और बाजार महिलाओं के लिए उठता है। फैक्ट जो 100% पॉपुलेशन है उसमें 50% महिलाएं ही वो मेल के लिए परचेस करती है। बाजार में कौन जाता है? दैट लेडी ओनली गोज एंड डज द परचेसिंग। उसके पास वो पावर है बिकॉज इफ शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग, अगर कुछ गहना बनाना है ना तो कैसे भी वो चने के दाल में चावल के डब्बे में से निकल के घर भी बनेगा, शिक्षण पर मुलांसा होगी, वो बंगला भी बनेगा और वो गहना भी बनेगा। तो यू हैव टू सी दिस अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्स और उसको हमको क्या करना है, ट्रिगर करना है, उसको थोड़ा सा हिलाना है, उस किचन से हमको उसको बाहर निकालना है। बिकॉज द 3% वर्ल्ड वाइड सिर्फ कितने अमीर है? 3% अमीर है। और वो 3% अमीर कहां से निकलते हैं? किचन से निकलते हैं। इंफोसिस कहां से निकला? 10,000 डब्बे से निकल के इंफोसिस जनरेट हुआ। आज टाटा भी सस्टेन है तो मैं एक वीडियो आपसे शेयर करूंगी। आज जो टाटा एम्पायर खड़ा है उसके लिए भी एक दिन महिला ने क्या डाला था? अपना ज्वेलरी डाला। तो आज कहां के कहां है। हर रोज के महीने में हमको ये चीजें जरूरी है, पेस्ट है, चाय, साबुन, ये सब है जिसमें हम लगभग 3,000 की परचेस करते, उसका हमको रिटर्न हेल्थ में और वेल्थ में वापस मिलता रहता है। पूरे दिन भर में भी आप 5 लोगों से बात करें तो 5 लोगों में से एटलीस्ट एक, या तो पूरा महीने भर में से एटलीस्ट 5 लोग तो आपके साथ आप जैसे विचार करने वाले जुड़ जाएंगे। उसमें से आप अगर जनरेट करते हो पूरे ये जितने भी लोगों को आपने बताया है और अपना जो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते, अपग्रेड करना चाहते, उसमें से अगर लोग आप लेते हो, 6 लोग भी लेते हो, 6 महिलाएं भी लेते हो, तो ये 6 महिलाएं अपने साथ अगर 3-3 महिलाओं को लाती है, उसके आगे 2-2 महिलाओं को लाती है, तो लगभग 8,000 महीने का, अप्रोक्सीमेट 8,000 महिला का, एक महिला का 8,000 आप निकाल सकते हो। 6, 3, 2 ये एक मधुमक्खी का छत्ता आप निकाल सकते हो, अपने विचार जैसे रानी मासी निकाल सकते हो, सिंपल है। उसमें से अगर 8,000 कमाने वाले हैं, ऐसे 6 लोग 8,000 कमाने वाले, 6 महिलाएं आपके नीचे लगती है, तो आप लगभग महीने का 50,000, कितना, अप्रोक्सीमेट 50,000 यू कैन जनरेट विद दीज लेडीज बाय गिविंग देम ऑल्सो एंड बाय टेकिंग योरसेल्फ ऑल्सो। मतलब उनको भी आप प्रमोट कर रहे हो, खुद को भी आप प्रमोट कर रहे हो। कितने लोग यहां 12,500 का वाउचर लिया है? कितने लोगों ने लिया है? मैं भी हूं। 12,500 इट इज अ प्रमोशन गिवन बाय द कंपनी, परफॉर्मेंस गिवन, जो आपने परफॉर्मेंस लिया है कि 3 लोगों का लाइफ आपने क्या किया है, अपग्रेड किया है। तो वो 3 लोगों का लाइफ इतना अपग्रेड करने के बाद वन टाइम एक बार में आपको ये हैंड फोन इंसेंटिव के हिसाब से 12,500 मिलते। एक महिला के लिए वो 12,500 भी सपना है। मेरे यहां महिलाएं खुश हो जाती है जब वो 12,500 लेती है। एक ने तो अपने बच्चे की फी भी उस 12,500 से भरी हुई है। 12,500 डेफिनेटली मायना रखता है, एक इकट्ठा पैसा एक बार में आपको कंपनी देती है। नेक्स्ट, अगर 12,500 वाले आपके फ्रंट में 5 महिलाएं, 5 महिलाएं, तो आपको कितना मिलता है? 1,00,000 मिलता है। 1,00,000 लेने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? घोसले मैडम नहीं आए, सर आए, 3। ये जो 1,00,000 मिलता है वन टाइम है। जो आइलैंड में कहती थी डॉक्टर लीव चाहते हैं कि आप ये पैसा आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए, ये 1,00,000 एक बार में आपको पूंजी मिल जाती है। और हमको कब मिला? कोरोना टाइम। आई लिटरली हैड टीयर्स जब मेरे अकाउंट में वो जब 1,00,000 आया और मैं फोन पे सबसे सुनती आ रही थी इसा जॉब के लिए। मेरे साथ जितनी महिलाएं थी ना 1,50,000 कमाती थी, पालावा में उन्होंने बड़े बड़े घर लिए थे क्योंकि हस्बैंड अब्रॉड है
खुद का 1.25 लाख 1.5 लाख का महीने का आ रहा है, उनके जॉब जा रहे थे, बिजनेस कोलैप्स हो रहे थे, तब BXN ने कोरोना टाइम में, टेम क्या है देखो, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख आता है तो दैट कंपनी इज अ वेरी जेन्युइन कंपनी और एक विजनरी आपके साथ बैठे, एक साइंटिस्ट, एक बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट आपके साथ है और आपको सेम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। कितना लगाते हैं? 5 लाख। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस के लिए तो उसके बड़ा अमाउंट डालना पड़ता है, डोनेशन दे के भी सीट नहीं मिलती। 5 लाख हम ग्रेजुएशन में डालते हैं और 25,000 पहले मिलते थे, आज 10-15,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही। यू कैन चेक इट आउट। इतना उम्र का कमाया हुआ पैसा, इतना टाइम हम जनरेट किया है, तो हमने कितना सैलरी कमाना है? 10-15-20-25 हजार, और वो भी हेक्टिक शेड्यूल से। आसानी नहीं है। जितने भी यंगस्टर्स है आप उनसे बात करो, आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, दे वुड से कंटाल गए, वी वॉन्ट टू चेंज ओवर, चेंज ओवर, ब्रांच चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, बिजनेस चेंज करना है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर चेंज, गिव देम द अपॉर्चुनिटी। वो जो भी कर रहे हैं उसके साथ इसको एड ऑन करने के लिए अपॉर्चुनिटी दो। अगर 60 साल भी अगर आप अच्छे से रहे तो 60 साल भी अगर जॉब करते हैं तो 1.80 CR मतलब 1,80,00,000 वो खुद पे ही खर्च हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, तो ये पैसा आपको उम्र तक नहीं काम आएगा। एंड इट्स नॉट इजी कि 60 साल तक 25,000 कमाते रहो, इट इज अ वेरी टफ टाइम। इफ यू सी यंगस्टर्स और जो आज 30-40-50s में सब बोल रहे कब मैं रिटायर हो जाऊं। सो ये टफ टाइम के लिए जो भी आप कंज्यूम कर रहे, मैं चैलेंज करती हूँ, प्रार्थना समाज है, परेल है, प्रभा देवी है, पालघर है, पनवेल है, आपका लोनावला रहेगा, पूना रहेगा, परभणी भी रहेगा, आप कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, जो लिंजी कॉफी लंदन स्क्वायर में मिलती है वही ऑस्ट्रेलिया स्क्वायर में भी मिलती है, यूएस स्क्वायर में भी मिलती है, और मैं प्रभा देवी स्क्वायर में भी वही कॉफी पीती हूँ। ये प्लेटफॉर्म डॉक्टर ने दिया और वो कॉफी का मुझे हेल्थ भी मिलता है और वेल्थ भी मिलता है। अगर किसी ने लंदन स्क्वायर में भी पी है तो उसका पैसा मुझे प्रभा देवी स्क्वायर में आ जाता है। दैट इज अ लक्ष ऑफ द कंपनी। हेल्दी प्रोडक्ट्स है, प्लेटफॉर्म सेम सबको दिया हुआ है, इट इज दी ओनली, इट्स आर एफर्ट्स एंड आर डिसीजन इन दैट। पड़ोसी का पहले बोल दो, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है कोरोना पीरियड में। आई स्टे ऑन 18th फ्लोर, मेरे 18 माले पे कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन, हम एक दूसरे खिड़की खोल के भी, आजू बाजू में दरवाजा खोल के भी नहीं जाते थे। कोकोजी जो पहले मेरे साथ मेरे पास से लेते थे तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो जो क्वालिटी मेरे पास से मिली थी वो उनको नहीं मिली, क्योंकि उनके बच्चे के लिए और उनके घर में जो बुजुर्ग थे उनके लिए वो कोकोजी मंगाए। उसके बाद ऑनलाइन पे मुझे व्हाट्सअप करके वो कोकोजी मंगाए। फर्क देखो कि अगर मैंने पहले से नहीं बोल के रखा होता तो वो क्या हो जाता था, ऑनलाइन पे ही जाता था। क्वालिटी मैटर्स एंड पीपल अंडरस्टैंड दैट। सो पहले बाजू वाले को, पहले अपने फ्रेंड्स को बता दो कि आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम द बिजनेस पर्सन, आई एम द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ BXN। आपको लोग पहचानना चाहिए कि इसके पास बेवरेज मिलेगा, इसके पास मुझे हेल्थ मिलेगा, ताकि वो बाद में आके आपको नहीं बता। इट इज लाइक अ सुपर मार्केट। पूरा BXN का प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्या कर दिया है, सुपर मार्केट कर दिया। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर एक कर्ता धर्ता पुरुष है, घर का वर्किंग पर्सन है, ओके, जो आपके लिए 1 लाख कमा के लाता है, जॉब करता है, अगर वो नहीं रहा बाय एनी थिंग कि एक किस चीज की वजह से उसका अर्ली एग्जिस्ट हो गया, तो वो जो खुद के लिए यूज करता है वो 80% ही रहेगा। 1 लाख में से 20,000 ही खुद के लिए यूज करता है, 80,000 वो आपके लिए कमाता है, फैमिली के लिए कमाता है। मैं पूछना चाहती हूं, अगर ये 80% कमाने वाला निकल गया तो आपके फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू वाले, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, क्या ये रिप्लेस कर देगी?
आई हैव अ क्वेश्चन फॉर देम. 80,000 का रिप्लेसमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा. डीएक्सएल में एक ऐसा फीचर है, यमन कंट्री पता है आपको, यमन, वहां पे एक पायलट बाय फ्लुक किसी ने उसको डीएक्सएल बोल दिया तो वो डीएक्सएल में जुड़ गया और उसको अच्छा लगा कि मैं पायलट हूं तो उसके साथ मैं प्लान बी सोर्स ऑफ इनकम चला रहा हूं. दुर्भाग्य से उसका प्लेन क्रैश हो गया और उसकी मौत हो गई. उसकी वाइफ प्लेन उड़ा सकती है, उसके नन्हे दो बच्चे थे वो प्लेन उड़ा सकते हैं, वो सैलरी जो पायलट की सैलरी थी वो नहीं ले पाए, लेकिन बच्ची डीएक्सएल सेरेमनी में एक बार खुद से बात की और बोल रही थी, मेरे पापा शरीर से नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो हर महीने 10 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसे दे के जाते और वो पैसे बढ़ते जाते, वो पैसे कम नहीं हो रहे, वो पैसे बढ़ते जा रहे. आज यमन में उन्होंने बड़ा सा मकान बनाया, वो औरत शान से सम्मान से रह रही है. ट्रस्ट में घर सा करता पुरुष जो यहां पे बैठा अगर नहीं है, उस औरत की और उस बच्चे की जो हालत है ना, आप किसी घर में जाते देखो कितने बार मांगोगे और क्यों मांगोगे. अगर ये प्लेटफॉर्म आपको वो सस्टेनेबल फ्यूचर दे रहा है तो ग्रैब इट, इट इज योर डिसीजन. क्या करना पड़ेगा हमको? सिर्फ 100% इसका यूज करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, खुद के लिए सच बोलना पड़ेगा कि हम एंजॉयिंग द प्रोडक्ट्स. लोगों तक ये सच पहुंचाना है कि दे आर एंजॉयिंग. ईमानदारी से काम करो, ट्रस्ट में ईमानदारी रियली वर्क्स, पीपल अंडरस्टैंड रिमेंबर्स यू. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था, इट इज नॉट द लाइफ दे रिमेंबर विथ यू, इट इज द लाइफ व्हेन यू पास अवे एंड दे रिमेंबर्स यू. आप घर से किसी के निकल गए, ऑफिस से निकल गए, उसके बाद लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, या तो आप गुजर जाने के बाद लोग आपके लिए क्या बोलते हैं, वो आपकी जिंदगी है. और ये डीएक्सएल प्लेटफॉर्म वही जिंदगी है कि आप रूम से निकल गए फिर भी वो लिंजी कॉफी के लिए बात करेंगे, फिर भी वो स्पिनला के लिए बात करेंगे. एक ईमानदारी से प्लेटफॉर्म है. डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट. आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो डिसिप्लिन, गिव द डिसिप्लिन टू योर सेल्फ. 100% यूजर ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट. बच्चे देखते आप क्या यूज करते हो. अगर आपने रूमाल उठा के ऐसे फेंक दिया ना, नेक्स्ट डे यू विल फाइंड योर बेबी थ्रोइंग दैट. अनुशासन बहुत जरूरी. अच्छी चीज है, लोगों तक पहुंचाओ, खुद के लिए यूज करो, लोगों तक पहुंचाओ. वेरी इंपॉर्टेंट, द कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी को आपके सामने खड़ा किया, रतन टाटा